सिंघल, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सावन के सोमवार में। सावन के महीने के पहले सोमवार को मंदिरों में शिव की आराधना करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। माना जाता है कि जो जातक सावन के महीने में आने वाले सोमवार को शिव की आराधना कर जल चढ़ाता है, उसकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पहले सोमवार को फरीदाबाद के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग यहां शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा आदि चढ़ाकर अपने आराध्य शिव को मना रहे हैं, ताकि उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हों। मंदिरों के आसपास पूजा सामग्री जैसे धतूरा, बेलपत्र, फूलमाला और प्रसाद आदि की दुकानें सज गई हैं। सावन के पहले सोमवार को लिए देश भर के शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की विशेष तैयारियां की गई हैं। सावन में विशेष महत्व है कि इसके दर्शन के लिए देर रात से भक्त कतारों में लगे नजर आए। सावन के पहले सोमवार के चलते श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालु यहां शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा आदि चढ़ाकर अपने आराध्य शिव को मना रहे हैं, ताकि उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हों। मान्यता है कि सावन के महीने में आने वाले तमाम सोमवार को जो जातक मंदिर में जाकर शिव की आराधना करता है और शिवलिंग पर बेलपत्र, फल, फूल और जल चढ़ाता है, उसकी तमाम मनोकामनाएं भोले शंकर पूरी करते हैं। श्रद्धालुओं में आज के दिन भारी उत्साह देखा जा रहा है। मैम, आज सावन का पहला सोमवार है, मंदिर पहुँचे हैं आप, क्या मांगा है भगवान से और किस लिए मनाया जाता है इस सोमवार? कि सावन का जो सोमवार का पहला दिन है, सावन का पहली बात तो बहुत महत्व होता है, क्योंकि यहाँ शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी की पूजा यथारूप से मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी, क्योंकि सोने चले जाते हैं और सिर्फ वो कार्तिक महीने में उठते हैं, तो बोल सकते हैं कि जो डिस्चार्ज, जो चार्ज होता है, वो शंकर भगवान को दे दिया जाता है, ताकि वो पूरी सत्ता संभालते हैं, पूरे संसार का ब्रह्मांड संभालते हैं। और आज क्योंकि सावन का पहला महत्व है, और ऐसा कहा भी गया है कि 50 साल में ऐसा पहला योग बना है जिसमें शिव जी की पूजा का आज बहुत बड़ा महत्व है, जो योग 50 साल पहले बना था, इसीलिए आज सावन का खास तौर से बहुत बड़ा महत्व है। और भगवान शिव की पूजा, पार्वती जी की पूजा करने से आपको यथाशक्ति जितना भी आपके अनुसार आप उनकी पूजा कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपको उतना ही अच्छा मिलेगा, फिर बाकी अपनी श्रद्धा भक्ति। मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, श्रद्धालु श्रद्धालु हर जगह भीड़ आपको मिलेगी, लेकिन आज सावन के दिन में इसका पहला महत्व इसलिए भी है क्योंकि सावन में जो इंसान भगवान शिव के दर्शन करता है, ऐसा कहा जाता है कि उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो ये विशेष महत्व होता है। पार्वती जी के साथ उनका जोड़ा होता है, सुहागिने आज के दिन बहुत ज़्यादा महत्व मानती हैं, क्योंकि भगवान शिव, कहा जाता है कि पार्वती जी की योग के बाद उनको मिले थे, 100 साल के योग के बाद मिले थे, और कुंवारी लड़कियाँ इसलिए लगती हैं कि उनको अच्छा पति मिले और सद्गुण वाला पति मिले, इसलिए रखती हैं। क्या नाम है? सब नाम बता दें। गंगा देवी। गंगा देवी जी, आज जो सावन का सोमवार मनाया जा रहा है, मंदिरों में काफ़ी भीड़ है, किस लिए मनाया जाता है सोमवार और क्या महत्व होता है इसका? भैया, क्या नाम? अपने पति और बच्चों की लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति हो, इसलिए ये सावन का सोमवार का व्रत रखते हैं। किस लिए मनाया जाता था, शुरुआत कैसे हुई ये सोमवार? अरे, ये महीना पवित्र होता है, इसीलिए हम लोग मनाते हैं। ये सोमवार सावन के महीने का दूसरा, शिव पार्वती अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, पर शिव जी को पाने के लिए करती है, इसीलिए हम लोग भी सावन के महीने में पर्व महीना माना जाता है, इसलिए हम अपने सुहाग की लंबी, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत करते हैं। किस लिए मनाया जाता था ये सोमवार? ये सौभाग्य के लिए, अपने सुहाग के लिए करते हैं हम। नई लड़कियाँ होती हैं, वो व्रत रखती हैं, वो अपने बर, अच्छा बर मिले हमें करके, इसलिए ये व्रत करती है। Yeah.
पौराणिक वर्णन के अनुसार साल भर शिव आराधना करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य सावन महीने में मात्र एक बार पूजा अर्चना करने से मिल जाता है। सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने व्रत भी रखा है और मैं पूजा करने आई हूँ, भोले बाबा को मनाने आई हूँ कि मेरी सारी मनोकामना पूरी करें। और मैंने पंचामृत चढ़ा के बेलपत्र और डमरू बजाया है ताकि भगवान जी जल्दी सुन लें भोले बाबा और मेरी सारी मनोकामना, जो सावन के महीने में कहते हैं कि भगवान खुद धरती पर आते हैं और वो सबकी सारी मनोकामना पूरी करके जाते हैं। तो सावन के महीने में एक विशेष महत्व होता है कि सारे लोग आते हैं, मत्था टेक के अपना सारी मनोकामना पूरी करते हुए जाते हैं, उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती। श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के लिए गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र, फूल फल, मिष्ठान के साथ पूजा की। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को 12 महीनों में सावन का महीना अति प्रिय है। श्रवण नक्षत्र में आरंभ होने वाले इस महीने को शुभ महीना भी माना जाता है। पुजारी के अनुसार सावन मास में पूजा अर्चना करने से शिव भक्तों की आराधना ज्यादा फलीभूत होती है। सावन के सोमवार के व्रत के विषय में पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस व्रत को माता पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किया था। इस व्रत के फलस्वरूप ही उन्होंने भगवान शिव पति रूप में प्राप्त किए थे। तभी से इस व्रत को मनोवांछित पति की कामना पूर्ति के लिए भी कन्याओं द्वारा किया जाता है। इसलिए सोमवार के व्रत का शिव की आराधना और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष महत्व है। पौराणिक शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शंकर को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। इस माह में वो अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस पवित्र माह में भी सोमवार का विशेष महत्व होता है। सावन का आगमन प्रतिपदा तिथि और उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में 20 जुलाई को हुआ। ज्योतिषाचार्यों की माने तो 50 वर्ष बाद सावन में ऐसा योग बन रहा है जिसमें रोजगार में तरक्की, आय में वृद्धि, ज्ञान और कृषि के क्षेत्र में उन्नति की संभावनाएं प्रबल हैं। इसी के साथ बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाले जैसे कई ग्रह परिवर्तन भी इस महीने में हो रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार श्रावण माह शुरू होने से पहले ही देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए यह समय भक्तों, साधु संतों के लिए अमूल्य होता है। 4 महीने में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इस 4 मास तक भगवान शिव ही इस सृष्टि के पालन करता रहते हैं। इस दौरान वह ही भगवान विष्णु के सभी कामों को देखते हैं। ऐसे में 4 माह तक त्रिदेवों की सारी शक्तियां भगवान शिव के पास रहती हैं। आचार्य ओम प्रकाशचार्य के अनुसार इस बार ग्रही स्थिति योग के लिहाज से सावन माह शुभता प्रदान करेगा। चिंतन अविराम पतित पावन जैसे मधु शिव रसना के बोल भक्ति के हंसा ही चुगे मोती ये अनमोल जैसे तनित सुहागा सोने को चमकाए शिव सुमिरन से आत्मा अद्भुत निखरी जाए जैसे चंदन वृक्ष को डसते नहीं लेना शिव भक्तों के चोले को कभी लगे ना दाग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दया निधि भूतेश्वर शिव है चतुर सुजान कण कण भीतर है बसे नीलकंठ भगवान चंद्रचूड़ त्रिनेत्रा उमापति विश्वेश शरणागत के ये सदा काटे सकल कलेश शिव द्वारे प्रपंच का चल नहीं सकता खेल
शिव का वंदन जो करे शिव है उनके साथ। ओम नमः शिवाय। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। खुशी मिलती है जब आपके सपने में जुड़ जाए कोई आपके साथ। सत्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पलवल ऑफर्स फ्री टेक्निकल एजुकेशन टू 100 गर्ल्स एवरी ईयर। हमारी बेटी हमारी शान, अ कंट्रीब्यूशन इन पीएम्स मिशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। द इंग्लिश मीडियम बोहरा पब्लिक स्कूल इज लोकेटेड एट ईस्ट चावला कॉलोनी इन बल्लभगढ़। दिस स्कूल एंड एफिलिएटेड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। The well-qualified and experienced teachers of the school devote all their attention to develop the academic interest and other skills of the students. At the same time, they are particular in enhancing the character building and blossoming the innate skills of the students. Indeed, the Bohra Public School has excellent ambience for the promising students with immense scope for personality development of its students. Needless to add, the school possesses maximum modern facilities of model school. So let your wards join the innovative and favorable climate of Bohra Public School. We welcome you. क्या आप सेक्स समस्याओं से परेशान हैं या परेशान हैं गुप्त रोगों से? क्या आपको परेशान करती है दौरा, मिर्गी, श्वास, गठिया, वाय, सफेद दाग, जोड़ों का दर्द जैसी बीमारियां? तो फिर क्यों होते हो परेशान? क्योंकि हमारे पास है आपकी इन समस्याओं का समाधान। तो चले आइए, सेक्स समस्याओं, शुक्राणुओं की कमी, धात जाना, निसंतान, न्यूक्लियोरिया, नाम मर्दी, बवासीर जैसी बीमारियों के सफल इलाज एवं सुखी विवाहित जीवन के लिए डॉक्टर सागर से मिले। हरियाणा सरकार द्वारा रजिस्टर्ड डॉक्टर सागर क्लिनिक समिति, रसूलपुर फाटक पलवल। संपर्क करें 8397002464। करनी हो खरीद बिना मिलावट के पौष्टिक स्वादिष्ट और विशुद्ध खाद्य पदार्थों की और बिना साइड इफेक्ट वाले सौंदर्य प्रसाधनों की, या जब करनी हो खरीद विशुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयों की, तो क्यों जाना कहीं और जब खुल गया हो शहर में पतंजलि मेगा स्टोर। हमारा पता है 5M113 BKKC रोड, दयानंद विमेन कॉलेज के सामने। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9818067393, लैंडलाइन नंबर 01292431999। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी खास पेशकश सावन के सोमवार में। सावन महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव जी का व्रत करना चाहिए और व्रत के बाद भगवान श्री गणेश जी, भगवान शिव जी, माता पार्वती व नंदी देव की पूजा करनी चाहिए।
सावन में सोमवार का व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों रख सकते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां जहां अपने पति की लंबी आयु, संतान रक्षा के साथ साथ अपने भाई की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं, वहीं पुरुष लोग इस व्रत का पालन संतान, धन्यधान एवं प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। सोमवार व्रत का नियमित रूप से पालन करने से भगवान शिव और देवी पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है, जीवन धन्य धान से बना रहता है और व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सावन सोमवार व्रत का विद्यार्थी के लिए बहुत महत्व है। इस व्रत को रखने से विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि होती है। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।